रानी माजरा के पिपली वाले टाउन की दुकान नंबर 2005 में सोमवार दोपहर को आग लग जाने के कारण 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। इसी दौरान दुकान से सामान निकालते हुए दुकान के मालिक साहिल हुसैनी भी आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिसको उपचार के लिए मनी माजरा फीवर अस्पताल में भर्ती करवाया। सर, मनी माजरा में अभी थोड़ी देर पहले आग की एक घटना हुई है, कुछ जानकारी दीजिए। ये आरे वाली गली के सामने ना एक ओपन जगह है, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, शेड बने हुए हैं, तो वहाँ पे दो शेडों में कुछ लोग काम करते हैं रजाइयाँ गद्दे वगैरह बनाने का। तो उनके बयानों के मुताबिक कि लाइट गई हुई थी, जैसी लाइट आई है तो एकदम से शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्किंग हुई और रुई में आग लग गई। रुई का काम था? हाँ, रुई रजाइयाँ बनाने गद्दे बनाने का काम है उनका, तो रुई में आग लगने से रुई में एकदम से आग फैली है। तो ये सब लोग बाहर आ गए, उनमें से एक लड़का था साहिल नाम का, उसके थोड़ी सी मामूली हल्की सी ये आग का सेक लगा इस जगह पे मुंह पे, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं उसको हॉस्पिटल में अभी देखने आया हूँ, तो वो लड़का ठीक है, अभी खतरे की कोई बात नहीं। क्या नाम है? क्या कैसे आग लगी है, क्या कारण है? एक डेढ़ घंटे से लाइट गई हुई थी, लाइट आई पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट ही हुआ है, एकदम से आग लग गई है। तो कोई नुकसान वगैरह? नुकसान जो रोई की दुकान थी सारे कुछ जल गया, कुछ नहीं रहा। कितने का सामान जल गया होगा? कम से कम तकरीबन 4-5 लाख का तो हो गया, सारी रोई पड़ी थी, कपड़ा पड़ा था, मशीन थे, सब कुछ था। शॉर्ट सर्किट होने का क्या पहले भी ऐसी उस दुकान में कोई वाकया हुआ? पहले तो कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, कितने समय से दुकान का समय? तो ये 5-6 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? बिजनौर के। बिजनौर के रहने वाले हो? ट्रैफिक के कारण क्या क्या मुश्किल हुई आपको आने में, या कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी 20-22 मिनट लेट होगी थी गाड़ी? तो मार्केटें होती हैं उसके अंदर तकरीबन मोस्टली गाड़ियाँ जो है वो बिना सिस्टम से खड़ी होती हैं, जैसे कोई सामान लेने आया तो गाड़ी बीच में रोड में खड़ी कर करके दुकान पर सामान लेने चला जाता है। तो जैसे फायर की गाड़ी जा रही है तो जब तक कोई दुकान से वापस नहीं आ जाता है तब तक गाड़ी उसको कौन हटाएगा रास्ते में से? ट्रैफिक पुलिस भी क्या करेगी उसमें? वो मालिक आएगा तभी जा करके गाड़ी हटाई जा सकेगी। तो आज कितनी देर मतलब गाड़ी वगैरह आपकी लेट होगी इस आग में? कोई लेट नहीं, हमारी गाड़ी जो प्रॉपर टाइम से पहुंची, अगर कहीं प्रॉब्लम आई भी है तो हमने उसके हिसाब से उसका सलूशन निकाल करके गाड़ी कैसे स्पॉट पर जल्दी से जल्दी पहुंची। इस आग की सूचना कितने बजे मिली थी आपको? ये हमारे को तकरीबन उसके ऊपर टैबलेट के ऊपर टाइम देखना पड़ेगा हमारे को कि क्या टाइम है, जब से हम आए तब से लेकर के हम बिजी हैं इस टाइम। कितनी देर में इस आग को काबू पाया? इस आग पर मिनिमम जो मेन कंट्रोल जो है इसका 10 मिनट का है और टोटली फिनिश टाइम जो वो 2 आवर्स। कितने? 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया। कितने मुलाजिम आए थे सर आपके यहाँ पर? मुलाजिम आए थे कम से कम तो भी 10-12 मुलाजिम तो थे मेरे, 10-12 मुलाजिम थे फायर सर्विस के। फायर सर्विस कितनी दमकाल विभाग की गाड़ियाँ मौके पहुँच गई सर? यहाँ पर 4 गाड़ियाँ आई थी, एक बुजुर्ग हो गया, 2 हो गया, दूसरी हो गई 3 गाड़ियाँ आई थी। ठीक। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।